कराची में कराटे सीखने वाले मोहम्मद मनीर फिलिपाइन में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। तफसीलात आसिफ इकबाल की इस रिपोर्ट में। कराटे सीखने के जुनून ने कराची के मोहम्मद मुनीर को क्यूकेशन के आलमी मुकाबले तक पहुंचा दिया। क्यूकेशन जापानी और कोरियन तर्ज के कराटे का खेल है, जिसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप फिलिपाइन के शहर मनीला में अगले माह हो रही है। दुनिया के 52 मुल्कों के फाइटर्स इस इंटरनेशनल मुकाबले में शरीक हो रहे हैं। मोहम्मद मुनीर भी इसमें कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं। तो बहुत उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा जो है ना, मैं पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल तो खेलते रहा हूँ, जीतता रहा हूँ। उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान को इंटरनेशनली पाकिस्तान का फ्लैग जो है ना वो नुमाया हो और हम वहाँ से जीत कर आएँ। मोहम्मद मुनीर का कहना है कि अब तक की तैयारी अपनी मदद आपके तहत की है, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। ऐसे इवेंट्स के लिए चूँकि टूर्नामेंट फीस और एयर टिकट्स और वहाँ की होटलिंग ये खासी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सब पे डॉलर्स में होता है, और इस हवाले से कोई सपोर्ट नहीं मौजूद है। खुसूसन क्यूकेशन कराटे के हवाले से अभी तक किसी भी किस्म की हुकूमती सरपरस्ती नहीं है। मोहम्मद मुनीर गुज़िश्ता 8 बरसों से कराटे के इस खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो 90 किलोग्राम से कम की कैटेगरी में इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद मुनीर की तो यही ख्वाहिश है कि वर्ल्ड चैंपियन बनकर वो लौटें, लेकिन ऐसा ना हो कि वसाइल की कमी की वजह से इनका यह ख्वाब अधूरा रह जाए। आसिफ इकबाल, सुनो न्यूज़, कराची।